बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं बनाऊंगी खीरे का रायता है। ये गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है और दही भी गर्मियों में खानी ज़रूरी है। इसके लिए मैंने खीरे ले लिए 2 अदद और 2 चम्मच मैंने दही ले लिए। मैंने थोड़ी क्वान्टिटी में बनाया आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए, आप जितनी मर्ज़ी आप क्वान्टिटी में बना सकते हैं। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच दही ले लिए। दही में मैं डालूँगी कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी सुरख मिर्च, और आप काली मिर्ची भी इसमें डाल सकते हैं, और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। उसके बाद मैं अच्छी तरीके से इसको फेंट लूँगी। दही में शामिल करने के बाद इसको दही को अच्छी तरीके से फेंट लेंगे ताकि दही बिल्कुल सेट हो जाए। अगर ये दही गाढ़ी है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर लिया। इसके बाद थोड़ा सा अगर दही अच्छी गाढ़ी है आपको तो ज़्यादा पानी शामिल कर लें। हम खीरे का रायता भी बना सकते हैं, बैंगन का, आलू का, लौकी का, हर चीज़ का हम रायता बना सकते हैं। टमाटर, प्याज सब चीज़ डाल सकते हैं। ये मैंने एक जो है ना छोटा कश करने वाला कद्दूकश ले लिया है, इसके मैं कश कर लूँगी इसको खीरों को। 2 खीरे ले लिए मैंने छोटे छोटे, उसमें मैं कद्दूकश करके इस तरीके से ये दोनों खीरे इसमें मैं शामिल कर दूँगी दही में। आप इसमें अपनी मर्ज़ी सब कुछ शामिल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का रायता बना सकते हैं। ये मैं आज खीरे का आपको बनाना बता रही हूँ। बस दोनों खीरे आप इसमें कद्दूकश करके इसमें शामिल कर दें। इसके बाद जो है ना हम इसको जो है ना ज़ीरे का तड़का लगाएंगे। सफ़ेद ज़ीरा ले लिया मैंने, थोड़ा सा ऑयल ले लिया, और थोड़ा सा ज़ीरा ऑयल में ब्राउन करके हम इसका तड़का लगा देंगे। इस तरीके से हमारा ये रायता तैयार हो जाएगा। उम्मीद है आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। आज अगर मेरी रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरी दुआओं में याद रखें, और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।